Namaskar, Adab, ladies and gentlemen. This is Prasad, and I'm all the way from Port Blair, Andaman and Nicobar Islands. And I'm so happy to be here at this platform. And I'm sure amongst you, such incredibly beautiful and wonderful creative people. So, main soch ke aaya tha ki kuch pyar ke alawa main padhu. So, there is this small beautiful khayal which I had, which I kind of developed into a small poetry, which speaks about छोटी छोटी चीज़ें. ये अक्सर मेरे साथ हुई हैं कि वो जो सबसे अजीज़ और सबसे करीबी चीज़ें होती हैं मेरे लिए, वो हमेशा सस्ती रही हैं. सो ख्याल ऐसा है कि वो हर चीज़, दोस्तों गौर फरमाइएगा, वो हर चीज़ जो मेरे काम आई हैं कीमती नहीं है दोस्तों, बड़ी सस्ती चीज़ है. तो ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड चीज़ें नहीं हैं पास मेरे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि ब्रांडेड चीज़ें नहीं हैं पास मेरे, पर वो कमीज़, जी हाँ, वो कमीज़ हमेशा जो धुलती है, वो टी शर्ट जो सबसे पहले निकलती है, वो जीन्स जो मेरे बट के शेप वाला हो गया है, और रूमाल जिसका रंग डिटर्जेंट में कहीं खो गया है, दोस्तों कीमती नहीं है, बड़ी सस्ती चीज़ है. अभी मेरी नींद जो है वो मुझे बहुत अजीज़ है, और इसका बंदोबस्त देखिएगा. वो पैजामा हर रात जो मैं ढूंढा करता हूँ, फाड़ के बाजू वो बनियान जो मैं पहना करता हूँ, ठीक से नींद भी नहीं आती है जिसके बगैर गोल तकिया मेरा, और हर रात ख्यालों में चला आता है वीडियो तेरा तेरा, वीडियो तेरा तेरा, वीडियो तेरा. कीमती नहीं है दोस्तों, बड़ी सस्ती चीज़ है. हर शाम तलब हो जाती है नुक्कड़ की चाय, वो कभी मोती जी मेरे कुत्ते का नाम है, कभी मोती के मुंह में तो कभी मेरे पैरों पे चढ़ी, हाँ वो हमेशा ही आंगन में उल्टी पलटी पड़ी मिल जाती है, मेरी फेवरेट चप्पल हो या डिनर टेबल पे हर रात मुझे किस करती, वो स्टील का ग्लास कह लो दोस्तों, कीमती नहीं है, बड़ी सस्ती चीज़ है. अब गौर फरमाइएगा, वो पहला प्यार मेरा, सेकंड हैंड बाइक मेरी, वो जो हर सुबह धुलती थी, चमकती थी कि जैसे नई हो, या फिर वो जिसे देख सारा मोहल्ला बहकता था, मेरी पहली मोहब्बत का खत जिसने फाड़ा था, जिसके नाम का हमने अपनी कलाई पे दो चार ब्लेड मारा था, कीमती नहीं थी दोस्तों, बड़ी सस्ती चीज़ थी. अब देखिए मेरी आदतों की कीमत क्या है, ग्रॉसरी में डव तो ज़रूर आता है, पर मेरे बाथरूम को आज भी साला लाइफ बॉय ही महकाता है, टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची सी मेरी दांतों को जो चमकाता है, हर सुबह मेरे टूथब्रश पे कोलगेट निकल आता है. अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कीमती नहीं है पास मेरे, दोस्त हैं कीमती से हैं, पर फेसबुक पे हैं, वेकेशंस जिनके होते हैं थाईलैंड में, और लाखों हैं फॉलोवर्स जिनके इंस्टा पे, फोटो वे सिर्फ प्रोफेशनल से ही खिंचवाते हैं, शाम की चाय अक्सर दोस्तों वो ताज में फरमाते हैं. और फिर घर वाले दोस्त हैं जो सस्ते टाइप के दोस्त होते हैं ना, जो करीबी से, जो बहुत दिल के पास, घर के पास, बेड के पास होते हैं. और फिर है वो जो घर वाले सस्ते टाइप के दोस्त मेरे, पॉटी नहीं आए या गर्लफ्रेंड फोन ना उठाए, एक ही बियर पी के साली मेरी पूरी रात शाम खा जाते हैं, यार मेरा इतना पकाते हैं क्या बताऊं, कभी गलती से हॉस्पिटल जाना पड़ जाए मुझसे पहले एडमिट साले वे हो जाते हैं, साइड टेबल पे पड़े सारे फल फ्रूट खुद निपटा जाते हैं, और पुराने आदम जमाने के किस्से सुना सुना के दोस्तों मुझे कोने में ठूस के मेरे अस्पताल के बिस्तर पर वे पसर जाते हैं, है कुछ सस्ते टाइप के दोस्त मेरे. अब कीमत किसकी गिनाऊं मैं, मेरी हर चीज दोस्त यार, यहां तक मेरा प्यार, कीमती नहीं है दोस्तों, बड़ी सस्ती चीज है. जी हाँ, ये था छोटा सा ख्याल जो मेरे अजीज चीज़ें हैं, मेरे दोस्त हैं या मेरे पसंद की चीज़ें हैं, हमेशा मैंने पाई है कि सस्ती रही है. अब ऐसा नहीं है कि प्यार पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, बट क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अराउंड 30 का हूँ, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मैं प्यार में पड़ा हूँ, तो
it's a beautiful thought कि whenever you fall in love with a new person the next time or every time, आपके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है. You are so bankrupt और इतने empty हो चुके होते हो कि आप किसी एक नए बंदे के साथ नई शुरुआत करते हो तो आपके पास देने को कुछ खास होता नहीं है. तो बस दो दो चार लाइनें हैं कि हमारी जेब खाली है, हमारी जेब खाली है कि पिछले वाले ने सब लूट लिया, हमारी जेब खाली है कि पिछले वाले ने सब लूट लिया, अब देने को कुछ खास नहीं है, अब देने को कुछ खास नहीं है, महक होगी ज़रा सी पर इश्क में मेरे दोस्तों वो वाली बात नहीं है, हमारी जेब खाली है कि पिछले वाले ने सब लूट लिया. जो कुछ था पास मेरे, जो कुछ था पास मेरे, किस्से कहानियां फलसफे सब पुराने हो चले हैं कि सब सुनाए जा चुके हैं, अब डाल में मेरी लचकती कोई शाख नहीं है, समय तो बहुत है दोस्तों पर तुमसे जो करता ऐसी नई मुझ में वो बात नहीं है, हमारी जेब खाली है कि पिछले वाले ने सब लूट लिया. थैंक यू सो मच.